दोस्तों, भारत के सबसे बड़े पुराने नोट और सिक्कों के असली YouTube चैनल रियल कॉइन कंपनी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मनी मार्केट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो ये कॉइन प्रदर्शनी की तरह ही होता है, जो मुद्रा प्रदर्शनी होती है उसकी तरह ही कॉइन मार्केट भी होता है, मनी मार्केट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो प्रदर्शनियां लगती है वो किसी निश्चित समय के लिए लगती है, यानी कि 5 दिन 10 दिन जो टाइम होता है उतने दिन चलती है और उसके बाद में वो बंद हो जाती है। लेकिन ये जो मार्केट है ये हमेशा खुला रहता है। अगर आपके पास में भी रेयर करेंसी है, कोई भी आपको रियल बायर नहीं मिला है या फिर अभी तक आपकी करेंसी नहीं सेल हुई है, तो इस कॉइन मार्केट में, इस मनी मार्केट में जाकर के आप अपने नोट और सिक्के बड़े ही आराम से बेच सकते हैं और आपको रियल कीमत दी जाएगी, जो न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से कीमत तय की गई है पुराने नोट और सिक्कों की, वही कीमत आपको मिलने वाली है। और किसी भी तरह का कोई भी ना तो आपसे शुल्क लिया जाएगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट वहां पर आपका लगने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी मनी मार्केट के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यहां पर कैसे जाना है। अगर आप अपने घर बैठे अपने पुराने नोट और सिक्के इस मनी मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, और अगर आप खुद वहां पर जाकर के और उन बायर से फेस टू फेस मिलकर अपने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं और पेमेंट पूरा एडवांस लेना चाहते हैं कैश में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो रियल कॉइन कंपनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आगे दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और सभी नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ जब भी आप हमारे वीडियो के नीचे अपने नोट और सिक्के बेचने के लिए कमेंट करें और उस कमेंट का कोई रियल बायर अगर रिप्लाई देता है तो दोस्तों उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफी सारे लोग तो बस इसी वजह से अपने नोट और सिक्के नहीं बेच पा रहे हैं, रियल बायर से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। जब भी कोई रियल बायर उनकी कमेंट का जवाब देता है तब उन्हें पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, और बाद में वो जाकर के एक दो दिन बाद जब वो देखते हैं कि किसी बायर ने मेरी कमेंट का जवाब दिया है, तब तक या तो उस बायर का कलेक्शन पूरा हो जाता है, उसने जिस नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए आपके कमेंट का जवाब दिया था वो करेंसी उन्हें कहीं से मिल गई, उनका कलेक्शन पूरा हो गया, या फिर वो कहीं पर एग्जीबिशन में बिजी हो गए हैं। और इसीलिए दोस्तों, आप जब भी कभी बायर आपके कमेंट का जवाब दे तो जल्दी से जल्दी उनसे बात करके अपने नोट और सिक्के बेचने की कोशिश करें। दोस्तों, जो भी इसमें जानकारी देंगे पूरी समझने के बाद ही आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। काफी सारे लोग हैं जो वीडियो शुरू करते हैं, शुरू करते ही कमेंट करके और चले जाते हैं, तो दोस्तों वो कमेंट कुछ समय के लिए ही रहता है हमारे वीडियो की। जो लोग वीडियो को पूरा देख करके कमेंट करते हैं उनका कमेंट सबसे ऊपर दिखाई देता है वीडियो के नीचे, हाईलाइट में रहता है। बायर को जब भी समय मिलता है एग्जीबिशन से, जब वो फ्री होते हैं या फिर इनकी खुद की जो न्यूमिस्मेटिक शॉप होती है वहां से इन्हें जैसे ही टाइम मिलता है ये आते हैं हमारे वीडियो के नीचे, कमेंट्स चेक करते हैं और उन लोगों से नोट और सिक्के कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो लोगों के ऊपर ऊपर के कमेंट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, उन्हें दिन भर में 2 या 3 घंटे का समय मिलता है और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 लोगों के कमेंट्स सेलेक्ट कर पाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, नोट और सिक्कों की फोटो और वीडियो मंगवाते हैं, उनसे डील फिक्स करते हैं। इस सारी प्रोसेस में काफी सारा समय लगता है, इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आपका कमेंट सबसे ऊपर ही दिखाई दे। अब दोस्तों, नोट और सिक्के कौन कौन से इस कॉइन मार्केट में आप बेच सकते हैं, सबसे पहले वो आप देख लीजिए उनके बदले में आपको क्या कीमत दी जाएगी, क्या खूबी होनी चाहिए उन नोट और सिक्कों में। क्योंकि दोस्तों, काफी बार आप ऐसा करते हैं कि जब भी आपको नोट और सिक्कों की कोई भी वीडियो दिखाई जाती है या कोई नोट के बारे में बताया जाता है तो आप पूरी जानकारी नहीं समझते हैं, बस डायरेक्ट जाकर के आप लोग कमेंट कर देते हैं या फिर बायर के जो नंबर देते हैं उन पर कॉल करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं यही समझा रहा हूं आपको कि अगर हम कहते हैं कि ट्रैक्टर वाले नोट के बदले में आपको 1,80,000 रुपए दिए जाएंगे तो आप आगे की जानकारी नहीं देखते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, अलग अलग तरह के ट्रैक्टर वाले नोट है, डिजाइन की बात करें तो भी अलग है, और उसके अलावा दोस्तों सीरियल नंबर में भी डिफरेंस है, और जो गवर्नर जनरल के सिग्नेचर है सबसे मेन चीज वही होती है। कोई भी नोट वैल्यूबल तभी होता है जब उस पर जो गवर्नर जनरल के सिग्नेचर किए हुए हैं, वो सिग्नेचर किस गवर्नर जनरल के, उसी हिसाब से उसकी कीमत तय होती है। तो अगर आपके पास में विमल जालान के सिग्नेचर वाला 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट अगर 786 की सीरियल में है, या फिर यहां पर आप जो सीरियल देख रही है सभी एक तरह के डिजिट होंगे, जैसे यहां 8 आपको दिख रहे हैं, 6 के 6 अंक 8 8 8 होंगे, तभी इसके बदले में आपको 1,80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके अलावा ये जो आप नोट देख रहे हैं ये भी ट्रैक्टर वाला
वाली नोट है, लेकिन इसकी डिजाइन अलग है और इसमें यहाँ जो गांधी जी की फोटो बनी हुई है, तो इस दूसरे वाले नोट में यहाँ पर अशोक पिल्लर बना हुआ है और इस पे जो गवर्नर जनरल के सिग्नेचर है वो सी रंगराजन जी के सिग्नेचर है। तो इस नोट के बदले में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और वो भी नॉर्मल सीरियल नंबर में, ना ही इसमें 786 के सीरियल वाले नोट की डिमांड है और ना ही इसमें फैंसी या सुपर फैंसी सीरियल वाले नोट की डिमांड है। आपके पास में नॉर्मल सीरियल में भी अगर ये अशोक पिल्लर वाला सी रंगराजन के सिग्नेचर वाला नोट है तो इसे बेचकर 2.5 से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हो। अगला दोस्तों ट्रैक्टर वाला एक और नोट है, ये भी गांधी जी की तस्वीर वाला नोट है और इसमें भी आप अगर नॉर्मल सीरियल में ये नोट आपके पास में है तब भी आप इसे बेच सकते हैं। इस नोट में खूबी क्या होनी चाहिए, यहां पर जो सुब्बाराव गवर्नर जनरल है उनके सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए। उसके अलावा अगर 786 की सीरियल में कहीं पर भी आता है तो इस नोट के बदले में आपको पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल सीरियल में है तब भी आपको 2 लाख रुपए तक इस नोट के बदले में मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों काफी सारे सिक्के भी हैं, जैसे कि ये सुभाष चंद्र बोस जी की पोर्ट्रेट वाला अगर आपके पास में 2 रुपए का कॉइन है तो इस कॉइन के बदले में भी आपको 1,60,000 रुपए तक कीमत मिलेगी। दोस्तों इसमें खूबी क्या होनी चाहिए, जो सबसे पहली बात तो ये 2 रुपए का कॉइन है और सुभाष चंद्र बोस जी की पोर्ट्रेट बनी हुई है। दूसरी चीज दोस्तों 1997 में जारी किया गया अगर ये सिक्का है आपके पास में तभी आपको ये कीमत मिलने वाली है। अगर कोई दूसरा कॉइन है जिसपे सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर बनी हुई है तो वो कॉइन आप नहीं बेच पाएंगे, वो रेयर नहीं माना जाता है, सिर्फ 1997 में जारी किया गया सिक्का ही वैल्यूएबल है। उसके अलावा दोस्तों श्री माता वैष्णो देवी वाला अगर कॉइन है आपके पास में 5 रुपए का तो उसे भी आप बेच सकते हैं, और कोई कोमेमोटिव कॉइन है आपके पास में 5 रुपए का तो उसके बदले में भी आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। 5 रुपए का जो गोल्डन कलर वाला श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड वाला अगर कॉइन आपके पास में 2012 में जारी किया गया तो उस सिक्के के बदले में आपको 3,10,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों यहां पर आप नीचे देखेंगे तस्वीर के नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है 2012 और यहां पर ये डॉट का मिंट मार्क भी आपको दिख रहा है। पीछे की तरफ आप देखेंगे ऊपर अशोक पिलर बना है और नीचे ₹5 लिखा हुआ है। तो इस तरह का कॉइन 2012 में अगर जारी किया गया कॉइन आपके पास में है तभी आपका वो सिक्का रेयर माना जाएगा और तभी श्री माता वैष्णो देवी वाला कॉइन आपका सबसे बड़ी कीमत पर बिकेगा। उसके अलावा दोस्तों ये 50 पैसे का कॉइन है जो सबसे ज्यादा कीमती, अभी इसकी सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है, जिसमें इंडिया का मैप भी बना हुआ है और बीच में आप देखेंगे संसद भवन भी बना हुआ है। 2001 में जारी किया गया डॉट मिंट मार्क का ही ये कॉइन है और इस सिक्के की काफी ज्यादा डिमांड है। अगर आपके पास में है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों एक बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है, जो गलती आप रोजाना करते हैं और इसी वजह से आपके नोट और सिक्के नहीं बिकते हैं, ये जानकारी आप समझ लीजिए। उसके बाद में आपको इस मनी मार्केट की पूरी जानकारी देते हैं और यहां पर कोई भी व्यक्ति अपने घर बैठे भी अपने नोट और सिक्के बेच सकता है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उस मनी मार्केट को विजिट करना, देखना वहां पर कैसे नोट और सिक्के खरीदे और बेचे जाते हैं, तो आप वहां पर जा भी सकते हैं। आपको एड्रेस दिया जाएगा, वहां पर काम करने वाले, वहां पर जो बायर्स हैं जिनकी शॉप वहां पर है उनकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों कमेंट करते समय आपको यह चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई नोट बेचने के लिए आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है कौन सा नोट है। ये जैसे 200 का नोट है, एकदम नए वाला नोट है, लेकिन इसमें सेमी फैंसी सीरियल नंबर है। अब दोस्तों सेमी फैंसी सीरियल नंबर आप नहीं समझ रहे होंगे, आपको भी नॉर्मल सीरियल ही दिख रही होगी, लेकिन इसमें गौर से देखेंगे तो स्टार्टिंग में भी 19 लिखा हुआ है और लास्ट में भी 19 है, बीच में 36 है। इस तरह की अगर सीरियल नंबर कोई हो जिसमें या तो शुरुआत के 4 अंक एक जैसे हो, अंत के 4 अंक एक जैसे हो, या स्टार्टिंग के और एंडिंग के अंक सेम हो, बीच में कोई दूसरे अंक हो, तो इस तरह के नोटों की काफी ज्यादा डिमांड है। और 200 रुपए का अगर इस तरह का नोट आपके पास में उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाला, तो उसके बदले में आपको अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी 60-70 हज़ार रुपए तक। लेकिन दोस्तों कमेंट करते समय क्या सावधानी रखनी है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है 200 रुपए का नोट, उसके बाद में दोस्तों आपको नोट की सीरियल नंबर लिखनी है, फिर गवर्नर जनरल के जो सिग्नेचर किए हुए हैं उनका नाम लिखना है, और उसके बाद दोस्तों इस तरह के आपके पास में और नोट है तो वो भी आपको लिखना है, कितने नोट है संख्या लिखनी है। जैसे कि यहां पर 2 नोट आप देख रहे हैं, तो इन नोटों की डिटेल लिखने के बाद आगे आपको 2 लिख देना है। और दोस्तों फिर अगर कोई सिक्का है जिसे आप बेचना चाहते हैं कमेंट करके, तो उस सिक्के की भी पूरी डिटेल लिखनी है। जैसे कि ये 50 पैसे का कॉइन है इंदिरा गांधी जी की पोर्ट्रेट वाला, तो सबसे पहले आपको लिखना है 50 पैसा, फिर अगर कोमेमोरेटिव कॉइन है तो उस पर जिसकी तस्वीर बनी हुई है उनका नाम लिखना है, और उसके अलावा दोस्तों सिक्के को जारी करने का वर्ष भी लिखा रहता है सिक्के के ऊपर, तो वो वर्ष भी आपको लिखना है। और सिक्के के ऊपर जो मिंट मार्क लगा होता है, डॉट का मिंट मार्क होता है, स्टार का मिंट मार्क होता है, एच का होता है, बी का होता है, जो भी मिंट मार्क हो आपको समझ में आता है तो मिंट मार्क भी आपको जरूर लिखना है, तभी आपसे रियल बायर कॉन्टेक्ट करेंगे और आपके कमेंट का जवाब देंगे। वैसे दोस्तों बता दूं फ्रॉड लोग काफी है जो आपके कमेंट का जवाब देते हैं, नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में आपसे रजिस्ट्रेशन शुल्क की डिमांड करते हैं और कई बार डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। तो आप किसी को भी 1 रुपया भी फीस के नाम पर ना दें और ना ही किसी को अपने डॉक्यूमेंट दें, नहीं तो वो आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे फ्रॉड लोगों से सावधान रहें और जहां तक संभव हो आप एग्जीबिशन में या फिर इस मनी मार्केट में जाकर के ही अपने नोट और सिक्के बेचें।
अब दोस्तों आपने समझ लिया कि अपने नोट और सिक्कों की डिटेल कमेंट में कैसे लिखनी है। वो जब आप अपनी पूरी करेंसी की डिटेल लिख दें उसके बाद में आपको खुद की डिटेल भी लिखनी होती है दोस्तों। आपका नाम लिखना है, आपके फादर का नाम, आपके घर का सही से एड्रेस लिखना है और अपने फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी जानकारी आपको उसी कमेंट में लिख देनी है और फिर कमेंट डाल देना है। दोस्तों अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस तरह का कमेंट लिख करके डालते हैं तो 100% आपके नोट और सिक्के सेल होंगे और आपको पूरी कीमत दी जाएगी आपके नोट और सिक्कों की, जो भी हमारे वीडियोस में बताई जाती है या फिर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताई जाती है। दोस्तों यहां पर आप 10 रुपए का ये नोट देख रहे हैं जो यावे रेड्डी गवर्नर जनरल थे उनके सिग्नेचर वाला है और इसके सीरियल नंबर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 786 लिखा हुआ दिख रहा होगा। अगर इस तरह का 786 वाला यावे रेड्डी के सिग्नेचर वाला 10 रुपए का ये नोट है तो इसके बदले में भी आपको 1,30,000 रुपए कीमत मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम करेंसी थी जिन्हें आप बेच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास पड़े नोट और सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास में जो नोट और सिक्के हैं जिन्हें बेचने के लिए आप रोजाना वीडियो देखते हैं, तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, कई कोशिशें करते हैं, क्या वो नोट और सिक्के हकीकत में रेयर है या फिर नहीं। तो दोस्तों पहली बात तो आप अपने नोट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो बना करके मेरा फेसबुक पेज है करेंसी बायर्स और रियल कॉइन कंपनी, वहां पर मुझे बेच सकते हैं। तो रेयर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि उसकी क्या कीमत मिलेगी, कौन सा बायर खरीदेगा। अगर वो नोट और सिक्कों की मुझे खुद को आवश्यकता हुई तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा, वो नोट और सिक्के कलेक्ट कर लूंगा और आपको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा। अगर उन नोट और सिक्कों की मुझे आवश्यकता नहीं है तो जिस बायर को उन नोट और सिक्कों की आवश्यकता है उन बायर से आपसे कॉन्टैक्ट करवा दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसी करेंसी लेकर के घूम रहे हैं जो हकीकत में रेयर नहीं है तो वो भी आपको पूरी जानकारी वहां पर दी जाएगी। कहीं पर भी कोई एग्जीबिशन की जानकारी लेना चाहते हैं या अपने शहर में कोई भी न्यूमिस्मेटिक शॉप है या फिर नहीं कोई रियल बायर है या फिर नहीं वो जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज करेंसी बायर्स और रियल कॉइन कंपनी पर। उसके अलावा दोस्तों न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आप अपने नोट और सिक्कों की सही कीमत जान सकते हैं और इंडिया के जो रजिस्टर्ड 656 ओरिजिनल बायर है जो किसी भी तरह की फीस नहीं लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं नोट और सिक्के बिकवाने के बदले में, उनकी भी पूरी डिटेल आपको न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे या टाइटल के आगे एक छोटा सा तीर का निशान है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको ब्लू कलर में दो लिंक दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से किसी भी एक लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों वेबसाइट पर जाते ही भारत सरकार का जो पुराने नोट और सिक्कों की खरीदने और बेचने वाली जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप चाहें तो उस एप्लीकेशन को वहां से अपने फोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, फोन नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपको 250 रुपए दिए जाएंगे जिन्हें आप हैंड टू हैंड अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। उसके बाद आप तमाम तरह की पुराने नोट और सिक्कों से जुड़ी, बायर से जुड़ी, एग्जीबिशन से जुड़ी, नोट और सिक्कों की दुकानों से जुड़ी जानकारी वहां पर देख सकते हैं। जैसे ही आप अपने नोट और सिक्कों की फोटो या फिर वीडियो उस एप्लीकेशन पर अपलोड करेंगे तो उन नोट और सिक्कों की जिस किसी भी बायर को आवश्यकता होगी वो खुद आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। और सबसे बड़ी खूबी इस एप्लीकेशन की यही है कि यहां पर आपको कोई भी फ्रॉड बायर नहीं मिलेगा, जो इंडिया के ओरिजिनल 656 बायर है सिर्फ वही बायर आपको इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले